गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सुबह का 7:30 बजे का टाइम है। जस्ट मैं बच्चों को नीचे छोड़ के और एक बार का बात लेके आई हूँ, और बाल बाल भी ठीक नहीं किए अभी, तो जस्ट नहा के आई हूँ एक बार। और वॉशिंग मशीन चल रही है मेरी, क्योंकि कल मुझे कपड़े धोने थे, मैं नहीं धो पाई। मैंने बोला था मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला था, तो अभी मैंने मशीन लगाई हुई है, मशीन चल रही है। और गर्मी काफ़ी हो चुकी है, सुबह में भी आप पसीने देख सकते हो, कितने पसीने आ रहे हैं। तो अब तो मुझे AC लगाना ही पड़ेगा। रोज़ सोचती हूँ आज कराएंगे आज कराएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से। सो एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं बच्चों के, दोनों पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, और मेरा भी शेड्यूल आजकल काफ़ी बिज़ी चल रहा है बच्चों की वजह से, इसलिए मैं लाइव इतना आ नहीं पा रही हूँ, सॉरी गाइस। और बाहर काफ़ी तेज़ धूप है, 7 बजे से धूप निकल गई है, मतलब 7 o'clock से धूप निकल गई है, क्योंकि अभी समर्स हैं और गुजरात में गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। और अभी मेरा सारा काम बाकी है, आप देख सकते हो बेड भी ऐसे वैसे मैस पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों वाला घर ना मॉर्निंग में बहुत गंदा हो जाता है ना, सबका हो जाता होगा। तो अब बस शुरू करूँगी मैं इसी तरह से करती हूँ, मतलब वॉशिंग मशीन एक साइड पे चला देती हूँ, क्योंकि उसमें कपड़े वपड़े चलते रहते हैं, तो अपना टाइम बहुत सेव हो जाता है। एक साइड पे कपड़े चलते रहते हैं, दूसरे साइड पे मेरे घर की डस्टिंग करती रहती हूँ। तो जब तक मेरे कपड़े बीच बीच में, फिर जब वो बजर बजता है ना मशीन का, तब मैं जाती हूँ कपड़े निकाल के स्पिनर में डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। तो मैं बीच बीच में कपड़े डाल के फिर से आ जाती हूँ, फिर मैं फिर से डस्टिंग कर लेती हूँ। इस तरह से मेरा काम चलता है। और फिर फाइनली होता क्या है, 11:30 बजे तक डस्टिंग वस्टिंग नाश्ता। कई बार तो मैं मशीन लगाते लगाते ही मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, और फिर से वो 15 मिनट्स के लिए मैं कपड़े चलाती हूँ, दूसरे जो नए डालती हूँ, मतलब जो नया दूसरा लॉट डालती हूँ, और उन 15 मिनट्स में मैं डस्टिंग करते रहती हूँ। फिर जब मेरी डस्टिंग हो जाती है 15-20 मिनट्स में पूरे घर की, तो फिर से मैं कपड़े डाल के नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो इस तरह से मेरा सुबह में काम चलता है, इस तरह से मेरा टाइम सेव करती हूँ। तो कपड़े धुलते धुलते मेरा नाश्ता डस्टिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाता है, और इवन कभी कभी तो लंच की भी तैयारी हो जाती है। आज काफ़ी सारे कपड़े, क्योंकि मैंने 4 दिन बाद मशीन लगाई है, तो काफ़ी कपड़े हैं। तो आई थिंक आज मेरी डस्टिंग नाश्ता और लंच की तैयारी सब कुछ हो जाएगी, आई होप सो। तो चलो फिर थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, क्योंकि मेरी मशीन चली हुई है और मैं डस्टिंग करने जा रही हूँ। वॉशिंग मशीन में कपड़े चल रहे हैं और डस्टिंग करनी है। घर बहुत मेस पड़ा है, आपको दिखा देती हूँ कितना गंदा हो रहा है। बच्चे जब सुबह में स्कूल जाते हैं ना, बहुत गंदा करके जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग का काम, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आगे का रूम पूरा फैला पड़ा हुआ है, और यही हालत डाइनिंग टेबल की है, और घर का पूरा सब कोने गंदे हैं, और ये पड़े हुए हैं कपड़े, देखो कितने ढेरों कपड़े हैं। और ये सारे के सारे कपड़े मुझे अभी वॉश करने हैं आज। ये वॉशिंग मशीन मैंने चालू कर दी है, मेरी स्टार्ट हो गई है, और अब इस तरह से वॉशिंग मशीन लगा के मैं मेरी डस्टिंग के लिए मूव करूँगी। यहाँ पर मेरा देखो घर पूरा फैला पड़ा है। सो अब मैंने स्टार्ट की है, सबसे पहले मैं मेरा आगे वाला रूम ठीक करती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मॉर्निंग में अगर कोई नॉक कर दे और कोई गेस्ट आ जाए तो फिर बहुत ख़राब लगता है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है आगे के रूम को साफ़ करना, यानी कि ड्राइंग रूम को मैं सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ। सो सबसे पहले मैं सारे जो भी पिलोज़ हैं, कुशंस हैं, उनको साइड पर रख देती हूँ। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, आज मैं आपको पूरा मेरा डीप क्लीनिंग रूटीन जो मैं मॉर्निंग में मैं रोज़ फॉलो करती हूँ वो दिखा रही हूँ। पहले मैं एक सूखे कपड़े से मेरे सोफ़े को इस तरह से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, मुझे परचेज़ करना है। तो इस तरह से मैं एक पुराना टॉवल लेके उससे अच्छी तरह से मेरे सोफ़े को झाड़ लेती हूँ, क्योंकि कहने के लिए ये 5th फ्लोर है, लेकिन बहुत डस्ट आती है ऊपर, काफ़ी धूल आ जाती है। तो इस तरह से मैं झाड़ देती हूँ तो डस्ट फ्री हो जाता है मेरा सोफ़ा, और देन मैं मेरे कुशंस को वापस से अच्छी तरह से लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं मेरे सोफ़े को मॉर्निंग में क्लीन करती हूँ। ये मेरा एवरीडे मॉर्निंग रूटीन है, और इसी तरह से मेरी विंडो एवरीडे झाड़ती हूँ मैं। ये मेरे सोफ़े का दूसरा पार्ट है, एक पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, ये दूसरा पार्ट है, ये कॉर्नर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी रख के जाता है, मतलब हमेशा उसका सामान यहाँ पड़ा होता है। तो बस इसको मैं यहाँ से भी क्लीन कर दूँगी अच्छी तरह से, और देन ये लास्ट वाला पोर्शन जो बचा है इसको भी अच्छी तरह से झाड़ दूँगी।
मुझे सब कुछ घर में टिप टॉप चाहिए, ये मुझे आदत है, तो सुबह में बिना डस्टिंग के मेरा कोई काम नहीं होता है। देन मैं जितनी भी घर में टेबल्स हैं उन्हें सबको क्लीन करती हूँ, या तो कॉलिन से कर लेती हूँ, या तो फिर एक कपड़ा सूखा और एक कपड़ा गीला रखती हूँ, यानी कि एक ड्राई कपड़ा ले लेती हूँ, कपड़े का टुकड़ा, कोई भी सॉफ्ट कपड़ा। यहाँ मैंने मेरी चुन्नी, कॉटन की चुन्नी का कपड़ा लिया है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और फिर देन मैं सारी टेबल्स क्लीन करके आगे रूम में, देन जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं इधर उधर, आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं। बच्चों वाले घर में सोने से पहले घर ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी मैं रात को डस्टिंग करके सो जाती हूँ तो सुबह में इतना काम नहीं रहता है, लेकिन जनरली रात तक मैं बहुत थक जाती हूँ तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, यार आखिरकार हूँ तो इंसान ही, तो फिर सुबह में कर लेती हूँ। ये दोनों चेयर्स मेरी साइड पर रखी थी क्योंकि यहाँ पर हम लोग लैपटॉप और हार्ड ड्राइव वगैरह जो हमारा फोटोग्राफी का काम है वो यहाँ पर करते हैं, तो इसीलिए इस कॉर्नर को भी कभी कभी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अब बारी आती है मेरे डाइनिंग टेबल की, तो मैं रोज़ का रूटीन है मेरा, सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर से हटा देती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ डाइनिंग टेबल पर रखा नहीं रहता है, सिर्फ एक स्पून का जो वो है होल्डर वही रखा रहता है, तो सब हटा के फिर मैं कॉलिन डालूंगी। और ये रिलायंस वाला कॉलिन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी आपके सिटी में अगर मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉलिन है ये, मतलब रिलायंस कंपनी का आता है, नाम इसका क्या है मुझे याद नहीं है, बट रिलायंस कंपनी का है ये। सो इसे डाल के मैं अच्छी तरह से टेबल क्लीन करती हूँ। और विवेक कई बार मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम रोज़ क्या सफाई करने बैठ जाती हो एक एक चीज़ की, ये जो नीचे वाला पोर्शन है टेबल का ये भी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत डांट खाती हूँ। वो बोलते हैं क्या ज़रूरत है रोज़ करने की, लेकिन मुझे बिना डस्टिंग किए मतलब मेरे से जो है खाना नहीं खाया जाता है, दैट्स माई प्रॉब्लम। और ये आदत मुझे मेरी मम्मी में से आई है, मेरी मम्मी भी इसी तरह से घर साफ रखने की कोशिश करती है, मैं उतना अच्छे से नहीं रख पाती बच्चों की वजह से। और यहाँ पे मेरी साथ साथ मशीन चल रही है जैसे आपको पता है, तो बीच बीच में मुझे आना पड़ता है क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो इसमें से कपड़े निकाल के मुझे दूसरी साइड पर डालने होते हैं, और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आई एम डैम श्योर कि कम से कम 3 से 4 घंटे तो मशीन लगने ही वाली है। और मैंने ये स्टार्ट कर दी थी अर्ली मॉर्निंग, लेकिन अभी तक कपड़े चालू ही हैं यार, तो काफ़ी बिजी हूँ मैं आज। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी आप कभी क्लीनिंग रूटीन वगैरह शेयर करो, तो आज मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती हूँ, किस तरह से काम करती हूँ, मेरा काम करने का स्टाइल, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, सब लोग मुझे पूछते हैं आप यूट्यूब के साथ कैसे मैनेज करते हो इतना सब, तो मेरी शुरुआत वो मॉर्निंग से ही हो जाती है, तो ही मैं वक्त निकाल पाती हूँ वीडियो शूट करने के लिए और एडिटिंग के लिए, क्योंकि सारा काम मैं खुद ही संभालती हूँ। ये मेरे किचन में वो टेबल है जो अवि ने तोड़ दी थी, आप सबको पता है, तो ये जुड़वा दी है मैंने, मतलब फ़िट करवा दिया, नीचे आप देख सकते हो टूटी हुई जगह, और इसको भी मैं कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। मेरा छोटा वाला ट्राईपॉड है जो मैं किचन में जनरली यूज़ करती हूँ शूट करने के लिए, तो इस तरह से मैं मेरी टेबल भी क्लीन कर लूँगी, एक एक चीज़ क्लीन करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत रह जाता है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, जब से मेरा चैनल स्टार्ट किया है मैंने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा कामों के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, इसीलिए सुबह में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं दोबारा सोती नहीं हूँ और बस ये सब कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं आगे रूम की डस्टिंग करने के लिए, जो टीवी यूनिट है इसको साफ़ करने के लिए, और ये मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। विवेक इस चीज़ के लिए भी मुझे डांटते हैं कि तुम 2-3 दिन छोड़ के करो, लेकिन मुझे नहीं चलता है, मुझे बिल्कुल डस्ट अच्छी नहीं लगती है घर में। और अभी टाइम मैं आपको बता देती हूँ, 7:30 बजे का टाइम हुआ है, आप सामने देख भी सकते हो वॉच रखी हुई है, मैं बच्चों को नीचे छोड़ के आई थी 7 बजे, आपसे बात की थी और बस तब से इंस्टेंटली क्या बोल रही हूँ मैं, कॉन्स्टेंटली काम कर रही हूँ। और 8:15 के करीब मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो आती हैं आंटी बर्तन साफ़ करने के लिए, उससे पहले मैं डस्टिंग वगैरह सब निपटा देती हूँ, तो ही मुझे वक्त मिलता है फिर मेरे कमेंट्स वगैरह रिप्लाई करने का। सो अब मैं जा रही हूँ मेरे दूसरे वाले बेडरूम में, जहाँ से मैं हमेशा लाइव आती हूँ, उसमें भी बेड पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, जहाँ बैठ के मैं आपसे बात कर रही थी, कुछ ना कुछ होता ही है। और इस रूम में विवेक सोया है इसलिए पंखा चला हुआ है, और इसी तरह से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ मैं, तो आराम से सोते रहते हैं, और वो 9:30-10 बजे से पहले कभी भी नहीं उठते हैं। लेकिन अगर इस तरह से सुबह सुबह डस्टिंग कर ली जाए तो बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि होता क्या है जब हस्बैंड्स उठ जाते हैं ना, फिर काम इतना हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है, सभी लेडीज़ को पता होगा, तो जितना हो सके अगर आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के निपटा लें वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से मैं पिंक रूम की सफाई करने आ गई हूँ, इसे हम पिंक रूम बोलते हैं क्योंकि यहाँ की वॉल पिंक कलर की है इसीलिए, और यहाँ पे मेरी एक चुन्नी उन्नी पड़ी है और ऐसे वैसे सामान पड़ा रहता है, मैं भी रात तक थक जाती हूँ तो कई बार ऐसे ही छोड़ के सो जाती हूँ, सोचती हूँ सुबह मैं कर लूँगी, तो ये सब मैं कबर्ड में उठा के रख देती हूँ। मुझे रोज़ आदत है मेरे सारे बेड्स के तकिए वकीय, वैसे सभी लेडीज़ करती हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं कर रही हूँ, बट ये है मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन एंड डस्टिंग रूटीन।
ये काम मेरा रोज़ का है, एक दिन भी मेरे ये सब काम में स्किप नहीं करती हूँ। मैं कितना भी बिजी हूँ, अगर मैं मेरे ऑर्डर पे भी जा रही हूँ, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ फोटोग्राफर एज़ यू ऑल नो दैट। सो जब जब मेरा सीज़न ऑन होता है और ऑर्डर्स वगैरह होते हैं तो भी मैं जल्दी उठती हूँ 5 बजे, लेकिन पूरा घर ऐसे ही नीट एंड क्लीन करके मैं काम पर जाती हूँ, क्योंकि मुझे आने के बाद गंदा घर हो तो मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, मुझे साफ घर की आदत पड़ गई है। तो ये चीज़ें मुझे मेरे मम्मी में से आई हैं, मेरे मम्मी को भी सफाई की बहुत ज़्यादा आदत है। तो इस तरह से मैं मेरा रूम क्लीन करती हूँ, और यहाँ पे प्रिशा की ड्रॉर्स हैं ज्वेलरी की, और हमेशा कुछ ना कुछ उसके इयरिंग्स वगैरह फ्रिज पे होते हैं तो वो ला के रखे मैंने। और अब मैं लाऊँगी कपड़े जो सूखे हुए हैं, क्योंकि मुझे दूसरे फैलाने हैं, ये परसों मैंने धोए थे तो अब इनको मुझे तय बना के रखना है, क्योंकि पहले जो मेरी हाउस हेल्पर थी पुरानी, अब वो चली गई है, अब कोई मुझे तय बना के नहीं देता है फोल्ड करके, तो मैं खुद ही कर रही हूँ। किचन का कपड़ा है मेरा जो मैं हमेशा बिछा के काम करती हूँ, ये प्रिशा की इनर है। तो इस तरह से मैं सारे कपड़े तय बना दूँगी, क्योंकि अब मुझे डोरियाँ खाली चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धुल रहे हैं और वो सब मुझे सुखाने होंगे। सो दैट्स वाई मैं सब तय बना के लगा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के स्कूल के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम फिनिश कर दूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए वक्त निकालना पड़ता है। अगर मैं जल्दी जल्दी काम ना करूँ तो मेरी एडिटिंग रह जाएगी। और फाइनली अब मैं बैठ के अपनी दवा खा रही हूँ, क्योंकि मेरा बैक पेन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरे 2 विटामिन और 1 कमर के दर्द की दवा चल रही है, वो मैंने खाई है बैठ के। और अब मैं थोड़ा सा बीच में ब्रेक लूँगी, जब तक के लिए मैंने दूसरा लॉट मशीन में डाला है, जब तक बजर नहीं बचता है वहाँ तक बैठ के मैं बिल्कुल भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ 1 मिनट भी। अब मैं बैठ के सबके कॉमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जितना भी मुझे वक्त मिलता है काम के बीच में, अगर 10 मिनट या 5 मिनट, तो मैं जल्दी से मेरा क्रिएटर स्टूडियो खोल के बैठ जाती हूँ यूट्यूब का, और जितने भी कमेंट्स आए होते हैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरी मशीन चलते चलते सब काम हो रहा है, आप ये ध्यान में रखिएगा। सो इस तरह से आप लोग भी आपका टाइम सेव कर सकते हो। मैं अपना एक एक मिनट का यूज़ करती हूँ, और मेरे मशीन का बजर बजा था इसलिए मैं उठ के गई थी, और अब मैं यहाँ बैठ के कमेंट्स की रिप्लाई कर रही हूँ। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे 5 मिनट क्या 1 मिनट का भी मैं यूज़ करूँ। पूरा दिन भले मैं बिजी रहूँ, लेकिन मेरा एक एक मिनट यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब हैंडल कर पा रही हूँ। मुझे सब बहुत सारे लोग पूछते हैं लाइव में, और वैसे भी कमेंट्स आते हैं, सब कहते हैं कि दीदी आप किस तरह से मैनेज कर लेते हो आपका यूट्यूब चैनल साथ में फैमिली होते हुए। बस यही इसका रिप्लाई है आज जो मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से फटाफट काम निपटाती हूँ मैं एक साथ बहुत सारे, जिस वजह से मैं वक्त निकाल पाती हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल मैं ही हैंडल करती हूँ, मेरे हस्बैंड से मैं कुछ नहीं करवाती, ना ही एडिटिंग ना कुछ, सब कुछ मैं ही करती हूँ, शूट एडिटिंग एवरीथिंग। सो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने आ गई हूँ, क्योंकि बजर बजा था और एक साइड के कपड़े स्पिन हो चुके हैं, जो मैं पहले डाल के गई थी, आपको दिखाया भी था मैंने। तो इस तरह से मैं साथ साथ सुखाती रहती हूँ। सो मेरी डस्टिंग आपसे बात करते करते और मशीन चलते चलते हो चुकी है, और कपड़े अभी भी धुल रहे हैं, और अब मैं बाकी का आगे का काम निपटाऊंगी, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी, लंच की तैयारी करूंगी, ये सब कुछ करते करते साथ में मेरे कपड़े धुलते रहते हैं, इस तरह से मेरा टाइम सेव करती हूँ मैं गाइस। तो ये मेरी एक बालकनी है, और मेरी जो दूसरी बालकनी है वो ब्लू रूम में है, जिसमें मैं सोती हूँ, और यहाँ मैं छोटे छोटे सॉक्स डाल देती हूँ इस तरह से, क्योंकि डोरी पे डालो ना तो थोड़ी सी भी डोरी हिले तो गिर जाते हैं सॉक्स वगैरह, तो ये पट्टी मैं साफ़ करते रहती हूँ अक्सर आए दिन, और फिर इसके ऊपर सॉक्स वगैरह सुखा देती हूँ। इनके स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह हैं जो मैं सुखा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी आंटी आ गई हैं, क्योंकि अभी 8:15 बजे का टाइम है और यहाँ मेरी मशीन चल रही है। तो ये मेरी पहली हाउस हेल्पर आंटी हैं। ये देखो कपड़े मैंने एक के ऊपर एक डाले हुए हैं, इतने धोए हैं, अभी और धुल रहे हैं, बहुत धुल रहे हैं। ये आंटी की चाय बन रही है यहाँ पे, और आंटी बर्तन करके जाते हैं, फिर दूसरे हाउस हेल्पर आंटी आते हैं, वो कचरा पोछा करते हैं। तो ये आंटी की चाय है और उनके लिए मैंने नाश्ता निकाला है, और आंटी जा चुके हैं अब, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ये बर्तन रखने के लिए। और टाइम हुआ है समथिंग 9:30 बजे का, तो अब विवेक भी उठने वाले हैं, लेकिन मैं ये बर्तन रख दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं आलस में छोड़ देती हूँ और फिर पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं, और फिर होता क्या है कुछ भी ढूंढना हो ना, मतलब कुछ भी चाहिए, चमची चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही निपटा दूँ जितना हो सके। और ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 बच्चों की माँ इस तरह से एक्टिव नहीं रहेगी, जो कि स्कूल गोइंग और ट्यूशन गोइंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो जल्दी से जल्दी सुबह में थोड़ा एक्टिव होके काम कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको दिन में टाइम मिलता है, चाहे आप आराम करो, रेस्ट करो, आपकी कोई हॉबीज़ डेवलप करो, आप टीवी देखो, सो जाओ, व्हाटएवर यू लाइक, यू कैन डू इट। यहाँ पे मैं विवेक का गर्म पानी रख रही हूँ साथ साथ, क्योंकि वो उठ चुके हैं और उन्होंने मुझे आवाज़ लगा के बोला कि रुचि मेरा गर्म पानी रख दो। और अभी गीज़र आप लोग पूछ रहे थे ना मुझसे, तो गैस गीज़र था जो कि ख़राब हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी हमने ठीक नहीं करवाया है, तो बहुत जल्दी हम वो भी ठीक करवा लेंगे।
तो यहाँ पे मैं विवेक का गर्म पानी रख रही हूँ और साथ साथ बर्तन लगा रही हूँ, और यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया है, मुझे सफाई का बहुत वहम है, तो अब मैं यहाँ पे कपड़ा ला के साफ़ कर दूंगी सो दैट वहाँ से सूखा हो जाए थोड़ा। और इस तरह से थोड़ा बीच बीच में कपड़ा लगाते रहो तो पूरा दिन सफाई रहती है और अच्छा लगता है किचन में काम करना। सो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, थोड़ा दूध वूध गर्म कर लूँ क्योंकि वो उठ चुके हैं, अब उनके लिए चाय वगैरह बनानी पड़ेगी, नाश्ता बनाना पड़ेगा। सो फ्रिज में दूध था, आधा पैकेट खुला हुआ रखा था क्योंकि प्रिशा ने कल चाय बनाई थी, वो ऐसे ही करती है, आधा रख देती है, तो इसको अब मैं गर्म कर लूँगी और एक साइड पे मैं लंच की तैयारी भी शुरू कर दूँगी। सो मेरी मशीन भी साथ में चालू ही है, मतलब कपड़े धुल ही रहे हैं और विवेक का पानी भी रख दिया है, और एक साइड पे मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो ये कर लूँ। इस तरह से मैं अपना टाइम बचाती हूँ गाइज, मुझे सब लोग पूछते हैं तो मैं आज सब चीज़ों का रिप्लाई दे रही हूँ, इस तरह से मेरा टाइम बचाती हूँ। तो जितना हो जाता है उतना करती रहती हूँ, थोड़े बहुत कमेंट मैंने रिप्लाई कर दिए, अभी बीच में फिर से मुझे अगर 2-3 मिनट मिलेंगे या 10 मिनट मिलेंगे तो मैं फिर से 8-10 कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ परवल आलू की सब्ज़ी। परवल शायद सबको पता होगा, ये सब्ज़ी देख के समझ आ गया होगा आपको परवल किसे कहते हैं, सभी ने देखी होगी कभी ना कभी ये सब्ज़ी। तो कैसे बनाते हैं मैं झटपट से इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, और इसमें मैं आलू भी डालने वाली हूँ। तो ये कुछ 300 से 350 ग्राम में परवल लेके आई थी, 500 ग्राम नहीं है, ये आधा किलो नहीं है, और इस तरह से लंबे लंबे काटने हैं परवल भी और आलू भी, मैंने भी लंबे लंबे काटे हैं देखो आप। और बहुत मोटे आलू मत रखना, नहीं तो क्या होगा, परवल गल जाएंगे तो आलू नहीं गलेंगे, और आपने परवल ज़्यादा मोटे रखे तो आलू गल जाएंगे तो परवल नहीं गलेंगे, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना आप। तो इस तरह से इसको काट लेना है, और इसके साथ में दाल चावल सब्जी रोटी, मतलब सब्जी तो यही है, रोटी दाल चावल भी बनाने वाली हूँ, और इसमें भी पड़ेगी लहसुन, तो वो भी छील रही हूँ मैं। ये सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि हाउस हेल्पर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास और भी घरों का काम है, तो वो लोग बहुत जल्दी से अपना काम निपटा के चले जाते हैं। तो ये सब्जी वब्जी काटना सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, प्रीशा के पास कभी टाइम होता है तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, लाइक टमाटर काटना या लहसुन छीलना ऐसा सब कर देती है वो, लेकिन अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं उसको भी नहीं कह सकती। सो इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ, और यही रीज़न है कि मैं वक्त निकाल पाती हूँ यूट्यूब के लिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी आलस कर दूँ मॉर्निंग में तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यूट्यूब हैंडल कर पाऊँ। तो यहाँ पे ग्रीन चिली भी ली है मैंने और लहसुन लिया है, और अब इसको मैं क्रश कर लूँगी, और मैं हमेशा ऐसे कोशिश करती हूँ, मैं कभी भी पेस्ट बना के ज़्यादातर नहीं रखती हूँ क्योंकि फ्रेश आप क्रश करके डालो उसका फ्लेवर ही कुछ और आता है। तो ये मैं एकदम फ्रेश क्रश कर रही हूँ और उसे मैं सब्जी में डालूंगी। ये हो चुका है, और अब इसी तरह से मैं 2 प्याज लूँगी और वो भी छील के, मैं जो मेरा चॉपर है, जो कि मेरा मैजिक चॉपर है, क्योंकि वो चॉपर मुझे बहुत हेल्प कर देता है। यू वॉन्ट बिलीव गाइस कितनी बार मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं टमाटर वमाटर सब चॉपर में डाल के ही कर लेती हूँ, और इतना जल्दी हो जाता है, 1 ही सेकेंड में हो जाता है। मैं आपको लाइव डेमो दिखाती हूँ अभी मैं कैसे मेरा टाइम सेव करती हूँ किचन में। तो ये मेरा चॉपर बड़े काम की चीज़ है, पहले भी दिखा चुकी हूँ, अमेज़ॉन से मंगवाया था, पीजन कंपनी का है और था 299, 299 का था, और मैंने मंगाया था 1 साल पहले, और 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, और सीरियसली गाइस बहुत टाइम सेव होता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग भी ये ज़रूर बाय कर लो, तो बहुत सारा टाइम बच जाता है क्योंकि प्याज काटने में आपको पता है कितना टाइम लगता है। देखो हो भी गया, और ये मुझे मोटे चाहिए इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2-4 बार और इसे ये करोगे इसमें तो और पतली कट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गैस चालू की और चढ़ाऊँगी मेरी कढ़ाई, और इसमें डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल। सब्जी की रेसिपी झटपट शेयर कर रही हूँ मैं, और ये व्लॉग पूरा मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन है, मेरा क्या करती हूँ एक्चुअली मैं मॉर्निंग में वही आपको दिखा रही हूँ, इसलिए सिर्फ यही रूटीन चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने राई और हींग डाल के मैंने ये डाल दिया है, लहसुन और हरी मिर्ची का, जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा हो जाए, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है, और देन इसमें डाल देने हैं ओनियंस। मेरे यहाँ पे ओनियंस बहुत यूज़ होती हैं एक्चुअली, इतना गार्लिक यूज़ नहीं होता है जितना ओनियन यूज़ होता है। सो बस इसको भी हल्का सा पका लेना है, और जब ये हल्का सा पक जाएगा चलाते रहना है, बीच बीच में चलाते रहना है इसको। और देखो आप साथ में मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, आप देख लो, मैं लाइव दिखा सकती हूँ कि कपड़े धोते धोते मैं कितना काम कर लेती हूँ, और ये कोई मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये बस आपको बता रही हूँ आप भी इस तरह से आपका टाइम सेव कर सकते हो, जितना काम जब निपटे तब अच्छा, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा। हाँ मैं पहले बता देती हूँ, इसमें हल्दी डाली मैंने, धनिया जीरा पाउडर डाला है और हल्दी डाली है, और लाल मिर्च मैं बाद में डालती हूँ जब सब्जी बन के फिनिश हो जाती है, मतलब बन जाती है। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं लेकिन रेड चिली पाउडर मैं डालूंगी तब जब मेरी सब्जी बन जाएगी, और लास्ट में डालना है सॉल्ट और हल्का सा पानी ऐड करना है ताकि सब्जी अच्छी तरह से गल जाए। तो उसके लिए मैंने जिसमें क्रश किया था लहसुन और हरी मिर्ची उसी में पानी डाल के मैं डाल रही हूँ, जिससे कि जो बचा हुआ है वो भी चला जाए सब्जी में।
और अब मैं इसे ढक दूंगी, और ढक के मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है गलने तक, बीच बीच में चला देना है। और मेरी आदत है कि अब जैसे सब्जी काटी थी मैंने, इसमें ये कोई गंदा तो था नहीं, तो इसको फटाफट ऐसे ही मैंने धो के रख दिया है, तो दूसरी चीज़ कुछ काटने के काम आ जाएगा। और ये सब लहसुन वगैरह छीली थी, इसको तो मैं साबुन लेके ही वॉश कर दूंगी डिश वॉश बार बार से। तो ऐसी मेरी आदत है, मतलब थोड़े थोड़े बर्तन में ऐसे काम करते करते साफ़ करती रहती हूँ, तो काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है और पूरा दिन किचन क्लीन लगती है। सो ये मेरा स्टाइल है काम करने का, ऐसे ही मैं बीच बीच में बर्तन थोड़े कर देती हूँ। वैसे आंटी आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। फिर यहाँ मैं निकाल रही हूँ ज्वार का आटा, क्योंकि मैं ज्वार की रोटी बनाने वाली हूँ, विवेक को ज्वार की रोटी खानी है सब्जी के साथ, और दाल चावल भी बनाने वाली हूँ, तो ये मैंने निकाल के रख लिया है। यहाँ मैं बीच बीच में सब्जी चला रही हूँ ताकि लग ना जाए नीचे, और जब ये बन के तैयार हो जाएगी तब मैं इसमें लाल मिर्ची डालूंगी, बहुत टेस्टी लगती है ये। सो आप देख सकते हो कितने कपड़े हैं यहाँ पे, माय गॉड कपड़े धुल चुके हैं, दो टॉवल धोई हैं मैंने, और देखो आप हालत देखो, मतलब एक के ऊपर एक कपड़ा डला हुआ है, सारे कपड़े डबल डबल डले हुए हैं, प्रिशा की यूनिफॉर्म डबल है, सब कुछ डबल है, इतने कपड़े धोए हैं मैंने आज, और यहाँ भी पड़े हुए हैं देखो आप। और विवेक उठ के नहाने जा चुके हैं, आप देखो बिस्तर यही बस गंदा बचा है, क्योंकि बाकी घर तो मैंने आपको दिखा दिया क्लीनिंग करते हुए, यही रूम बचा हुआ है गंदा क्योंकि वो सोए हुए थे। और कुछ कपड़े यहाँ भी डले हुए हैं, देखो इतने कपड़े थे कि डोरियों पे आए नहीं, तो हल्के फुल्के कपड़े मैंने यहाँ भी डाल दिए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में मेरा दूध पीने के लिए, मैंने अभी अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया है दूध पीना, मैं बिल्कुल दूध नहीं पीती थी लेकिन मुझे बैक पेन और थोड़ा सा बैक पेन चल रहा है, तो मुझे सजेस्ट किया है, और एनश्योर प्लस करके मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी दिखाया था, मैं ये पाउडर लेके आई हूँ पीने के लिए, बहुत अच्छा पाउडर है। हमारी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है, विवेक की दोस्त हैं एक, उन्होंने सजेस्ट किया है एनश्योर प्लस, बहुत सारे विटामिन हैं इसके अंदर। सो इसको गर्म दूध में मैं मिक्स कर रही हूँ, 2 चम्मच या 1 चम्मच आपकी अकॉर्डिंग टू योर विश, और इसमें मैंने कोई चीनी नहीं डाली है, मैं शुगर फ्री पीती हूँ, तो इस तरह से मैं दूध पीती हूँ मॉर्निंग में आजकल, और बहुत ज़रूरी है एक्चुअली खुद का भी ध्यान रखना, क्योंकि पूरी जो फैमिली होती है वो एक औरत पे डिपेंड करती है, एक औरत के चारों तरफ घूमता है एक घर, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हाउस वाइफ्स की, एंड स्पेशली जब हम एक माँ होते हैं मदर होते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे ऊपर, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलो फाइनली मैं गई हूँ विवेक का रूम यानी हमारा रूम ठीक करने के लिए, क्योंकि वो अभी सो के उठे हैं, पूरा मैस हो रखा है, तो अब मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ यहाँ पे और अच्छी तरह से सब मैनेज कर दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कपड़ों का काम कंप्लीट हो चुका है, और मशीन वगैरह मैंने एकदम क्लीन कर दी है, थोड़ी गंदी हो रही थी ऊपर से तो साफ़ कर दी है। और टाइम हो रहा है कुछ 10:30 बजे का, 10-10:30 का टाइम है, और यहाँ मेरी सब्जी भी तैयार है, एंड ट्रस्ट मी इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है, विवेक को बहुत पसंद है और बच्चों को भी। तो मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी हैं, जो झाड़ू पोछा लगाती हैं वो दूसरी हाउस हेल्पर हैं, और वो आ चुकी हैं, और वही 10:30 बजे के करीब का टाइम है अभी, और वो अब झाड़ू पोछा लगा रही हैं, इसलिए मैं एक जगह पे बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी थक गई हूँ मैं, 10-10 मिनट का रेस्ट लेती रहती हूँ बीच में अगर पॉसिबल होता है तो। अरे कृष्णा की ब्यूटी ना, उसकी तो ऑलरेडी इंग्लिश थी, मेरी हिंदी ने फिर भी मैंने कितना अच्छा बोला। एक भी बार अटकी नहीं, मतलब एक बार अटकी वो सक्षम में, वो सब बोला मी हमारी प्यारी सक्षम निकल ही नहीं रहा था मुझसे, हमारी प्यारी नीमी फिर वापस से सक्षम, हमारी प्यारी नीमी कृष्णा तो पूरे 1-2 सेकंड के लिए अटकी। गुस्सा नहीं कर रहा मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा आप, ऐसी वैसी हैं। हाँ लव यू, लव यू टू। ये क्या कर रहा है छोटा बेबी, आज मैंने सारे टॉवल धो डाले, ये तो छोटे बच्चों वाला खेल खेलूं। हाँ पीछे कहाँ है, पीछे पागल हो गई है गाइस, ये कुछ चिपाई का एग्जाम कैसा गया वो बता दो। बहुत अच्छा गया, गॉड कितनी जोर से किसी, और देखो ये मैंने टेबल सुबह क्लीन की थी, देखो पूरी लगाया है लास्ट में, टेस्टी टेस्टी खाएंगे पहले, और ये मेरा टीमी हमारी प्यारी टीमी खाए तो। इसके कितने नाम है, नाम बता दो। टीमी डैम्स डैमू, एक मिनट आप बताओ नाम इसके। टीमी डैम्स डैमू गापू गापड़ी गापड़ा गापड़ा ऋषि ऋषि
और हैशटैग किचू, हैशटैग कुची, हैशटैग किचुपू और बहुत पॉले पॉले नाम है। हमारे घर की लाइट है, ये लाइट हमारे घर की। क्यों बंद करूँ? नहीं कर रही बंद, नहीं कर रही, जाओ। हो गया बंद। सो मैं यहाँ वापस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी दाल में मैंने तड़का मारा है अभी अभी, और सब्जी तो बनी हुई है आपको पता ही है, और कुकर रखा हुआ है चावल का, और यहाँ मैंने ज्वार की रोटी का आटा बांध के रखा है। तो अब मैं फटाफट रोटियाँ बना लूँगी क्योंकि सब कुछ हो चुका है और लंच का टाइम हो गया है। अभी बस सबको भूख लगी हुई है ज़ोरों से। तो देखो आप इस तरह से मैं ज्वार की रोटी बनाती हूँ, और देखो पूरी फूलती है मेरी ज्वार की रोटी। जनरली ज्वार की रोटियाँ बड़ी मुश्किल से बनती हैं, मतलब फूलती नहीं है, तो इस तरह से बना लेती हूँ मैं। विवेक को बड़ी अच्छी लगती है मेरे हाथ की रोटियाँ, और ज्वार की रोटी बहुत हल्की होती है एक्चुअली, गेहूँ के कंपैरिजन में काफ़ी हल्का फूड होता है, सो हम लोग यही प्रेफर करते हैं। बद्रीनाथ कहाँ पे है? बद्रीनाथ हाँ, इस काम से लिख दो उत्तराखंड, ये ओडिशा की स्पेलिंग इधर लिख दो, क्वेश्चन मत उतरो सीधा ऐसे ना, इधर सेकंड लिख के लिख दो, बाद में लिखो उत्तरा, यू डबल टी डबल डबल टी ए आर ए के एच ए एन डी ए आर उत्तराखंड। सो हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और आप देखो कितने सारे हैवी डिस्काउंट्स हैं, और यहाँ पे चोको पाई, लॉटो चोको पाई क्या बोलते हैं, हाँ लॉटो चोको पाई, इसके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट है, 140 का है लेकिन 99 में मिल रहा है, तो मैंने ले लिया है ये बच्चों के लिए। ओके सो शाम हो चुकी है अभी, 6:30 बजे का टाइम है, और मैंने सुबह जो भी मेरा क्लीनिंग रूटीन दिखाया उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है, मुझे पता है। मैं सो गई थी आज, 1.5 घंटा सो गई थी दिन में, बाहर से आके अचानक से हम लोग मार्केट चले गए थे, वो मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, और वीट यानी कि गेहूँ वो मैं घर में भरती हूँ, और फिर जब भी आटा चाहिए होता है तो उसे चक्की में जाके पिसवाते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे सीज़न चल रहा है गुजरात में, इस टाइम पे गेहूँ वगैरह भरा जाता है, तो आज हम लोग वही देखने गए थे, और होम डिलीवरी के लिए मतलब छोड़ के आए हैं, मतलब परचेज कर लिया है, वो लोग होम डिलीवरी भेजेंगे हम लोगों को। और थोड़ी बहुत चीज़ें थी, पालक वालक और 2-3 सब्जियां ली हैं रिलायंस से, और नहाने के साबुन लिए हैं, शैम्पू लिया है पतंजलि का, वो सारा सामान मैं लेके आ गई थी। तो क्या हुआ ना, सुबह से आपने देखा मेरा रूटीन बहुत हैक्टिक था, मैं एक साथ बहुत सारे काम कर रही थी, कपड़े धोते धोते मैंने लंच की तैयारी की, सब्जी बना दी, ब्रेकफास्ट हो गया, डस्टिंग हो गई, बहुत सारे काम किए, लगभग 3-4 घंटे वॉशिंग मशीन चली थी, फिर मैंने लंच की तैयारी की थी, और फिर मैं विवेक के साथ बाहर निकली थी बच्चों के आने के बाद, और फिर वापस आते आते मुझे कितना टाइम हो गया था, 2 बज गए थे, तो मैं काफ़ी थक गई थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और वैसे भी ये जो ब्लॉग था ये स्पेशली था मेरा मॉर्निंग रूटीन दिखाने के लिए आपको, मेरा मॉर्निंग का पूरा क्लीनिंग रूटीन मैंने आपको दिखाया है, मैं सुबह से उठ के क्या क्या करती हूँ, 1 ग्लास दूध भी पीती हूँ, मैंने अभी भी शुरू किया है एनश्योर प्लस पीना, क्योंकि मेरे पाँव में कमर में दर्द रहता है, एनर्जी थोड़ी सी, एनर्जी लेवल डाउन फील हो रहा है कुछ टाइम से, तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा ले लेते हैं कि बॉडी फिट एंड फाइन रहे,
तो इनकी एक फ्रेंड है जो कि फार्मासिस्ट है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैंने स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ व्लॉग में, कुछ लोग कहते हैं कि बातें करो, कुछ लोग कहते हैं नहीं करो। तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग ऐसा बनाते हैं जिसमें मेरी बातें बहुत कम हो और सिर्फ मेरा रूटीन और मेरी क्लीनिंग और जो मेरा मॉर्निंग का रियल मॉर्निंग रूटीन है वो मैंने आपको दिखाया है। इसी तरह से मेरा रूटीन चलता है, मैं इसी तरह से सुबह में बच्चों के लिए उठती हूँ और विवेक बाद में उठते हैं। विवेक आज भी लगभग 9:30-10 बजे उठे थे और तब तक तो मेरा कितना सारा काम हो गया था। तो यही मेरा मॉर्निंग रूटीन है। तो ये व्लॉग था डेडिकेटेड सिर्फ मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन दिखाने के लिए और मैं क्या क्या काम करती हूँ और किस तरह से काम करती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से टाइम बचा सकते हो। मैं मेरी वॉशिंग मशीन साइड पे लगा के बहुत सारे काम फटाफट कर लेती हूँ। मेरा एक्चुअली स्पीड भी है थोड़ा, मतलब काम करने का स्पीड मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए मैं ज़्यादा कवर अप कर लेती हूँ, डिपेंड करता है ये। तो चलो ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, इस व्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। अभी इस वक्त 6:30 हो रहे हैं और प्रिशा आ चुकी है अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, नीचे गई हुई है और अभी आएगा 7 बजे और विवेक साइकिलिंग के लिए गए और लौटते हुए उसको लेके आने वाले हैं। तो इस व्लॉग में बातचीत थोड़ी कम हुई है सो डोंट माइंड, लेकिन मैंने बहुत कुछ दिखाया है। आई होप आपको पसंद आएगा मैंने जो भी दिखाया है, मेरा काम करने का स्टाइल, मैं किस तरह से काम करती हूँ। बस ऐसे ही भागी दौड़ी फिरती हूँ मैं सुबह में, भक्ति भक्ति काम करती हूँ। बहुत कपड़े धोए यार, मतलब दोनों बालकनी पूरी तरह से भर गई हैं और उन पर भी मैंने डबल डबल कपड़े डाले हैं, इतने सारे कपड़े धोए मैंने आज। क्योंकि मैं जनरली ऑल्टरनेटिव डे वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, पर अभी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव डे नहीं हो पा रहा है। तो आज 4 या 5 दिन हो गए थे इसलिए इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो बहुत काम हो गया था। फिर दोपहर को मैंने वहाँ से आने के बाद भी मैंने ज़्यादा आराम नहीं किया है, सिर्फ 1.5 घंटा ही मैं सोई हूँ। उसके बाद मैंने एडिटिंग करके सोई थी और फिर उठने के बाद मैंने पब्लिश किया मेरा व्लॉग, यानी कि मेरा व्लॉग गया है समथिंग 5:30 बजे के करीब गया है, 5-5:30 बजे, यस ऐसे ही जाता है जनरली मेरा व्लॉग। तो चलो इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यस मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ मेरी उन सब्सक्राइबर्स को जो गिव अवे की विनर्स हैं और अभी तक मैं उनको गिफ्ट नहीं भेज पाई हूँ मेरे बच्चे के एग्जाम और प्रशा की बर्थडे की वजह से। आई एम रियली सो सॉरी, मैं बहुत जल्दी भेज दूंगी, ट्रस्ट मी, सबके गिफ्ट तैयार रखे हुए हैं, सिर्फ भेजने की देर है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नए व्लॉग में। अगर ये व्लॉग पसंद आए, और नहीं भी आए तो भी लाइक कर देना यार, ठीक है। और लाइव सेशन भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगी और कुक विद रुचि पे भी जल्दी एक्टिव हो जाऊंगी। मैं आजकल एक्टिव नहीं हूँ, आई नो दैट, बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बच्चों के एग्जाम्स है वो भी फाइनल वाले। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय।